संजय लीला भंसाली के लिए बढ़ रही हैं मुश्किलें दिन ब दिन। संजय लीला भंसाली की बिलवट फिल्म पद्मावती, जो 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, वो 25 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म के नाम की स्पेलिंग चेंज हो चुकी है, पद्मावती से वो फिल्म पद्मावत हो चुकी है। फिल्म की कहानी है रानी पद्मिनी पर बेस्ड। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, महारावल रतन सिंह उनके राजा और उनका दुश्मन अलाउद्दीन खिलजी। फिल्म में लीड कैरेक्टर्स निभा रहे हैं दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और उनके साथ रणवीर सिंह भी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी की है करणी सेना ने। राजस्थान की करणी सेना ने फिल्म के बैन की मांग की है। सेंसर बोर्ड ने बड़ी मुश्किल से फिल्म को सर्टिफिकेट देकर पास कर दिया है और 25 जनवरी फिल्म की रिलीज डेट रखी गई है। लेकिन अब अलग अलग स्टेट्स ने फिल्म को बैन करना शुरू कर दिया है। जैसे राजस्थान में चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे ने साफ कर दिया है कि राजपूत और हमारे इतिहास से जुड़ी किसी भी चीज को डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स की तरह अगर प्रस्तुत किया जाएगा तो वो उसे अपने स्टेट में अलाउ नहीं करेंगी। तो राजस्थान में ये फिल्म बैन हो चुकी है। अगर फिल्म रिलीज होती है तो कई महिलाओं ने ये भी कहा है कि जौहर कर लेंगे। इसी के साथ गुजरात में भी चीफ मिनिस्टर ने इस फिल्म को बैन कर दिया है। विजय रूपाणी का ये कहना है कि वो इस तरह के किसी भी गलत तथ्यों को दुनिया के सामने नहीं रखना चाहते, अपनी स्टेट में इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाहते और नहीं चाहते कि इसकी वजह से कोई हिंसा बढ़के। वहीं करणी सेना के चीफ ने कह दिया है कि वो जानते थे गुजरात में ये होगा, अगर नहीं होता तो वहां पर वो जनता कर्फ्यू लगवा देते। वहीं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जी ने भी यह कहा है कि रानी पद्मिनी राजमाता हैं, उनसे जुड़ी किसी भी बात को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाएगा तो ये उनको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो ऐसे किसी भी गलत तथ्य को अपने स्टेट में प्रदर्शित नहीं होने देंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस फिल्म को बैन कर दिया है। एक एक करके अगर सारी सरकारें इस फिल्म को बैन कर देंगी तो सेंसर बोर्ड का इस फिल्म को क्लियर सर्टिफिकेट देने का भी कोई फायदा नहीं होगा और ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाएगी। वाकई बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बन गई है रानी पद्मिनी की कहानी पर बनी ये फिल्म पद्मावती, जो अब हो चुकी है पद्मावत।